ऐसी मदद में एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके पास एक वक्त कुछ नहीं था फिर भी वो लोगों के काम आता था फिर एक ऐसा वक्त आया कि उसका दौलत थी ताकत था पैसा था और बहुत सब कुछ था और उस वक्त भी वो लोगों के वैसे ही काम आता रहा उसको सारी ज़िंदगी मैंने एक लिबास में देखा ज़मीन पर बैठे सादा रोटी खाते देखा वो किसी फर्स्ट क्लास में और आजकल की जो ऐशो इशरत के पीछे नहीं भागा वो सिर्फ भागा कि मेरे भाइयों और बहनों का काम कर सकूँ मैं इंसानियत का काम कर सकूँ मैं लोगों के काम आ सकूँ और उस शख्स को पाकिस्तान ने अब्दुलस्तार के रूप में देखा कि जब कोई भी किसी की तदफीन के लिए तैयार नहीं था वो शख़्स रात रात जागते खड़ा होता जब लोगों के पास खाने को कंबल देने का सर्दियों में चीज़ नहीं होती तो अपने घर से कंबल निकाल कर अपनी अहलिया को कहता था कि आओ चलो ये मेरे बहन भाई किसी नस्ल जात पात मजहब के बग़ैर आओ इनकी मदद करें क्योंकि मेरा रब ने कहा है जो शख्स मेरे हकूक आबाद को पूरा करेगा सबसे प्यार करेगा वो शख्स मुझे प्यारा होगा और वो शख्स आज यकीन इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज तक उसका जो मकसद है जो मिशन है वो चल रहा है